हेलो गाइस, वेलकम टू बुकी ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं कोटा रोड ट्रिप के लिए, और आप देखेंगे कि कोटा रोड में क्या क्या चीज़ें और जगह हैं। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं कोटा रोड कितना ही सुंदर व्यू है। दोनों साइड पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, इसीलिए यह रोड बहुत ही रोमांचक लगता है। नर्सिंग कॉलेज है, CG स्कूल ऑफ नर्सिंग। आज का मौसम भी बहुत सही है, हम देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, धूप भी नहीं है। इस रोड में बहुत सारे फार्म हाउस हैं जो कई बहुत अच्छे लोकेशन पे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ये रेशम उद्योग है, रेशम उद्योग मेन कार्यालय नहीं है। अब देखेंगे राइट साइड में, देख सकते हैं रेशम उद्योग का मुख्यालय। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। धान मंडी है, देख रहे हैं कितने सारे धान वेस्ट हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं पानी की वजह से। देखिए हम लोग आ चुके हैं CRPF कॉलोनी गेट नंबर 1 में। यहाँ
आर्मी वालों को, सीआरपीएफ वालों को ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका दो गेट है जो हम लोग एक एक को क्रॉस किए हैं, अभी एक आगे आएगा। इस सीआरपीएफ गेट के सामने ही सेंट जेवियर का मेन ब्रांच है, सेंट जेवियर स्कूल। आप लोग जानते ही होंगे कि सेंट जेवियर बहुत ही फेमस स्कूल है जो कि इंग्लिश मीडियम है। तो आप देख सकते हैं हम लोग गेट नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। ये रहा सेंट जेवियर, सेंट जेवियर स्कूल। तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कॉलोनी में सिर्फ अधिकारियों और सीआरपीएफ के जवानों को, और जो ट्रेनिंग पे आते हैं, जो जिनका फिजिकल फिजिकल एग्ज़ाम होता है, वो लोग को ही अंदर जाने की अनुमति दिया जाता है। और अदर जो ऐसी अगर उन लोग के साथ भी कोई आता है ट्रेनिंग पे आए हुए लोगों के, तो उन लोग को भी जाने के लिए नहीं दिया जाता। वो लोग बाहर वेट कर सकते हैं या वापस जाके रिटर्न में उन लोग को लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन लोग को जाने नहीं दिया जाता। अब देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है सामने का, रोड के दोनों साइड पेड़ ही पेड़। इधर बहुत सारे फार्म हाउस आएंगे जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और फार्म हाउस के अंदर जो छोटा सा घर बना है वो तो और बहुत ही कूल। हम देख सकते हैं इस फार्म हाउस को, उसका रास्ता ही बहुत सही है। ये हमारी छम्मक छल्लो चलते हुए, ये टमाटर उद्योग है जिसमें टमाटरों को के पौधों को बचाने के लिए उसमें प्लास्टिक की लेयर चढ़ाया गया है, और उसके हल्का सा छेद में टमाटर का बीज डाल के उसको उगाया जाता है।
है इसके बाद।